हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है दोस्तों हमारे पास Amazon की तरफ से आने वाला Echo Dot 5th जनरेशन। Echo Dot 4th जनरेशन का वीडियो आपने देखा होगा, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक हमने अपलोड किया था और एक साल के बाद Amazon ने लॉन्च किया है अपना Echo Dot 5th जनरेशन। तो आइए करते हैं आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू और आपको बताते हैं क्या इस ग्रेट समर सेल के अंदर आपको ये डिवाइस 4500 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। So, कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। ब्लू कलर का बॉक्स है और मैं आपको बता दूं कि जो बॉक्स पैकेजिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे Echo Dot 4th जनरेशन के साथ तो जो चेंज आया है वो सामने की तरफ आया है, जस्ट 5th जनरेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी बॉक्स एकदम सेम है। साइड में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हैंड फ्री विद अलेक्सा का सपोर्ट है, माइक्रोफोन ऑन ऑफ का बटन दिया जाता है, ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी आ जाती है, कंपैटिबल सील्स भी यहाँ पे सारे मेंशन है। तो आइए आप करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो लेट्स ओपन दिस बॉक्स। बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका Echo Dot 5th जनरेशन। सो दिस इज आर डिवाइस। सो दिस इज द चार्जर। आपको यहाँ पे एक अडेप्टर देखने के लिए मिल जाता है, 15 वॉट का है ये। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है भाई हेलो Echo Dot, और काफी ज्यादा यूजफुल गाइड है, इसको आप पढ़ करके इसको काफी आसानी से यूज कर पाएंगे। डिवाइस के ऊपर आते हैं दोस्तों, तो ये है हमारा डिवाइस Echo Dot 5th जनरेशन। वेट की बात करते हैं तो वेट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लाइटर लग रहा है एज कम्पेयर टू दी 4th जनरेशन। साइज दोस्तों वही है जो Echo Dot 4th का था, वही Echo Dot 5 में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस के वॉल्यूम्स बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। माइक का बटन यहाँ पे दिया गया है ऑन ऑफ के लिए, और जो नीचे बटन है ये एक्शन बटन है। बैक में आपको मिल जाता है चार्जिंग के लिए पोर्ट। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि 3.5 mm जैक का पोर्ट अब यहाँ पे हटा लिया गया है Echo Dot 5th जनरेशन में। हालांकि बहुत से लोग तो शायद यूज भी नहीं करते थे 3.5 mm जैक के पोर्ट को, शायद इसी वजह से Amazon ने Echo Dot 5 में वो पोर्ट ही नहीं दिया है। तो ये फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। Follow the instructions in your Alexa app. सेटअप मोड में आने के बाद आप इसे अपनी ऐप के अंदर पेयर कर सकते हैं। अभी ऑरेंज कलर की लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, तो जस्ट हमें टाइप करना है यस अपनी अलेक्सा डिवाइस पे। सबसे पहले ऐप की बात कर लेते हैं। अलेक्सा की ऐप के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिवाइसेस के अंदर आपका डिवाइस शो हो जाता है Echo एंड अलेक्सा के अंदर। तो अभी हम इसके ऊपर टैप करते हैं। तो यहाँ पे आप कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइस को देख सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब वाला। आप यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं, वही सेम चीजें जो आप Echo Dot 4th जनरेशन पे कर पा रहे थे वो सारी चीजें तो आप कर ही सकते हैं Echo Dot 5 पे। एंड दोस्तों आप इस डिवाइस को स्पीकर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन से एक ब्लूटूथ स्पीकर के तौर पे इसको यूज करना चाहते हैं, सॉन्ग्स प्ले करना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखना चाहते हैं, और ये वाला स्पीकर आपका काम कर जाता है, बहुत ही ज्यादा लाउड है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। Echo Dot 4th जनरेशन के अंदर आपको 1.6 इंच का ड्राइवर देखने के लिए मिल रहा था और यहाँ पे 1.73 इंच का आया है, तो स्लाइटली इंक्रीमेंट आ गया है बेस एंड लाउडनेस में। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो Echo Dot 4 एंड Echo Dot 5 में साउंड क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब अपग्रेड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कुछ चेंज आया है। स्पीकर के अंदर जो चेंज आया है वो मैंने आपको बता दिया है, ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो गई है। एंड यहाँ पे आपको टैप जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐप के अंदर आप देख सकते हैं जनरल सेटिंग्स में यहाँ पे आपको टैप जेस्चर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे आप टैप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कौन सा फीचर यूज करना चाह रहे हैं जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे। अब ये सॉन्ग प्ले हो रहा है, अब इसको पॉज करने के लिए हम टैप करेंगे, नहीं हुआ। Here's Hangama Music. अभी हुआ क्या, अगर आप Alexa को यूज कर रहे हैं, Hangama Music से कोई सॉन्ग प्ले आप कर रहे हैं, उस टाइम पे टैप जेस्चर्स काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप YouTube की ऐप को यूज कर रहे हैं, वहां पे कोई आप वीडियो प्ले कर रहे हैं, उसको प्ले एंड पॉज करना चाह रहे हैं टैप जेस्चर को यूज करके, तो वो ये कभी कभी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अपग्रेड आया है Echo Dot 5th जनरेशन के अंदर, वो है टेम्परेचर सेंसर का। इसके अंदर आपको टेम्परेचर का सेंसर इस बार दिया गया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या है। इसकी ऐप के अंदर ये शो हो जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे
अभी जो टेम्परेचर है वो है 25.7 डिग्री सेल्सियस। एंड आप इसको रूटीन में जाके सेट कर सकते हैं कि जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर सेटेड टेम्परेचर से नीचे जाता है तो आप एसी ऑन कर पाते हैं और या फिर फैन भी ऑन कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप रूटीन्स में ऐड कर पाएंगे। थर्ड फीचर जो मेन इंपॉर्टेंट ऐड हुआ है अपग्रेड के तौर पे, वो है अल्ट्रासाउंड मोशन डिटेक्शन का फीचर। यानी कि जब आप ये फीचर ऑन कर देंगे तो ये अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेगा। जब भी आप रूम में एंटर करते हैं या रूम से बाहर जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड फीचर यहाँ पे यूज किया जाता है, ताकि आप कोई भी डिवाइसेस अगर ऑन ऑफ की कमांड सेट करना चाहते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड वाला फीचर कैसे काम कर पा रहा है। तो दोस्तों, काफी बार हमने इसके अल्ट्रासाउंड मोशन डिटेक्शन के फीचर को टेस्ट किया है, और टेस्टिंग में आपने देखा भी होगा कि जब मैं बाहर गया था स्टूडियो से तब इसने लाइट्स को अपने आप ऑफ कर दिया था। लेकिन ये जो फीचर है दोस्तों, ये अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है इको डॉट 5 में। कम से कम मैंने 15-20 बार इसका शॉट लेने के लिए टेस्टिंग की होगी, लेकिन उनमें से एक ही बार मैं शॉट निकाल पाया हूं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अभी जो इसकी एफिशिएंसी है वो इस मामले में, इस अल्ट्रासाउंड मोशन डिटेक्शन के फीचर में, अभी अच्छी नहीं है। एंड बाकी वो सारे काम जो आप इको डॉट 4 जनरेशन पे कर रहे थे, वो सारे काम इको डॉट 5 पे भी हो जाते हैं, जैसे कि कमांड्स देना, बातचीत कर लेना, फैन ऑन करना, लाइटें ऑफ कर लेना। एक बार करके भी देख लेते हैं। एलेक्सा, टर्न ऑफ बैकग्राउंड लाइट। बैकग्राउंड लाइट ऑफ हो गई, इसे ऑन भी कर लेते हैं। एलेक्सा, बैकग्राउंड लाइट ऑन करो। ठीक है। एंड आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। एलेक्सा, बैकग्राउंड लाइट का कलर रेड कर दो। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एलेक्सा काम कर जाती है। एक बार कलर दोबारा चेंज करा लेते हैं। एलेक्सा, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। ठीक है। बाकी थोड़ी बातचीत और कर लेते हैं। एलेक्सा, क्या हाल है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धमाकेदार। एलेक्सा, तुम कैसी हो? तुम्हारे नाल रवांगे, तैश ही करांगे। हाय 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 हाय। आज रात न्यूनतम 23 डिग्री तापमान के साथ मौसम साफ रहने का अनुमान है। आपकी शाम सुहानी हो। एलेक्सा, आज IPL में किसका मैच है? राजस्थान रॉयल्स आज शाम के 7:30 पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में T20 मैच खेलेगी। ये अनुभव लेकर आया है कैंपस शूज। क्या बात है। तो दोस्तों, ये था एलेक्सा इको डॉट 5 जनरेशन का एक फुल एंड फाइनल रिव्यू, जहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया है, सारी चीजें आपके सामने रख दी है भाई ये क्या कुछ कर सकता है और क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इको डॉट 5 जनरेशन इस टाइम Amazon ग्रेट समर सेल, जो कि 4th of May से लेकर के 8th of May तक चल रही है, वहां पे आपको 4500 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे देखने के लिए मिल रहा है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे ये डिवाइस काफी बढ़िया तरीके से काम करने वाला है और ये एक बेस्ट डील बन जाता है। सो अगर आप अपने नॉर्मल होम को स्मार्ट होम बनाना चाहते हैं तो आप इस इको डॉट 5 जनरेशन के साथ जा सकते हैं। बढ़िया डील चल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, जाकर के चेकआउट करिए, फटाफट से परचेज करिए। बिकॉज इसका नॉर्मल प्राइस 5500 रहता है Amazon के ऊपर, लेकिन इस टाइम पे आपको 1000 का फ्लैट डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है Amazon ग्रेट समर सेल में। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो इस डिवाइस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्द आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टेक थेरेपी पे वीडियो आपने पहली बार देखी है, अगर अच्छी लगी उसको जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।